जुमला है, न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसा, अपनों को बचाते हैं और गैरों को फंसाते हैं। यही संस्कार है, यही कार्यक्रम है जदयू का। सरकार अपनों को बचाने के लिए कानून को ठेंगा भी दिखाती है, पुलिस उस रूप में काम करती है। दिनकर चौराहे पे गोली लगी, हाथ में लगी, जांघ में लगी, कमर में लगी, वो जीवन मौत से जूझ रहा है, हालांकि वो सुरक्षित है। घर तक जाकर करके कोहराम मचाया गया, उससे बात करने के लिए पति ने धमकी दिया। इतने साक्ष्य होने के बावजूद भी पुलिस छोड़ दी, इसलिए कि एक अन्य मार्ग से दबाव था। तेजस्वी जी पर लगा है, मिसा जी पर लगा है, साथ में कांग्रेस के मदन मोहन झा हैं, उन पर भी लगा है कि आप लोग 5 करोड़ रुपया लिए भाई टिकटों ने। कोई सिरफुरा व्यक्ति, सिरफिरा व्यक्ति जो मानसिक संतुलन खो दिया हो, वो व्यक्ति आरोप लगावेगा, उस आरोप पर FIR दर्ज करने वाले व्यक्ति पर भी कम से कम होना चाहिए, उसको जांच करनी चाहिए पहले। तो कोई जाकर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बारे में बोले अगर 100 करोड़ रुपया दिए तो आपको FIR दर्ज करनी पड़ेगी। पटना में विक्रम जो जिम ट्रेनर थे उनकी उनको जो है 5 गोली मारा गया कल, उस पर गोली मारने का आरोप जो है वो JDU के चिकित्सा प्रकोष्ठ के नेता हैं, उनका नाम है राजीव सिंह, उन पर ये आरोप लगा था। साथ में उनकी पत्नी है खुशबू सिंह, उन पर भी ये आरोप लगा। आरोप लगने के बाद पुलिस जो है दोनों को गिरफ्तार करती है, यानी राजीव सिंह को गिरफ्तार करती है, और रात होते होते जो है पुलिस उनको छोड़ देती है। तो इस पर ये आरोप लगता है, या पुलिस महकमा पर ये आरोप लगता है कि कहीं सरकार के दबाव के कारण तो नहीं ना उनको छोड़ दिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो ट्रेनर थे विक्रम और जो राजीव सिंह है उनकी पत्नी जो है खुशबू सिंह में कुछ अवैध संबंध चल रहा था, जिसके कारण उनकी ये हत्या का प्रयास किया गया था। इस मसले पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव से। ट्रेनर हैं, दिनकर चौराहे पे गोली लगी, हाथ में लगी, जांघ में लगी, कमर में लगी, गोलियों की तत्राहट से शहर दहला। आरोप जिस डॉक्टर की पत्नी पे लगा, संबंध होने का, वो खुशबू नाम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1100 बार 2 महीने में जिस व्यक्ति से आपने बात की, 40-40 मिनट का जिसका कॉल डिटेल से एक बार बात करने का, घर तक जाकर करके कोहराम मचाया गया, उससे बात करने के लिए पति ने धमकी दिया। इतने साक्ष्य होने के बावजूद भी पुलिस छोड़ दी, इसलिए कि एक अन्य मार्ग से दबाव था, दबाव होने के कारण छोड़ा गया। अगर कोई विपक्ष का होता तभी अखबार के प्रथम पृष्ठों पर ऐसी खबर लगती कि राज्य की जनता को लगता कि यह खबर सही में क्या से क्या हो गया। लेकिन देखिए खबर कहाँ है, वो जीवन मौत से जूझ रहा है, हालांकि वो सुरक्षित है। लेकिन जो दाम्पत्य हैं, डॉक्टर जो उपाध्यक्ष हैं चिकित्सक प्रकोष्ठ के JDU के, उनके तस्वीरें भी वायरल हुए मुख्यमंत्री के साथ, दोनों मुस्कुराते हुए, दोनों तस्वीरें भी वायरल हुई है। मेरा मत साफ है कि सरकार अपनों को बचाने के लिए कानून को ठेंगा भी दिखाती है, पुलिस उस रूप में काम करती है। किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, जुमला है, न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसा, अपनों को बचाते हैं और गैरों को फंसाते हैं, यही संस्कार है, यही कार्यक्रम है JDU का। सरकार जो है बिहार की सिर्फ यही काम करती है, जो उनके खिलाफ है उसको फंसा दो। हमारे प्रवक्ता को फंसा दिया ना जी, बताने की जरूरत है? जो खिलाफ बोलिएगा फंसा देगा। और सारा सब कुछ उनके यहाँ हो रहा है तो उसको पर्दा डाल दो। इस राज्य के अंदर में विज्ञापन नीति इतनी स्ट्रांग है कि अखबार के सुर्खियों भी देखिएगा उसी रूप में, कोई राज्यसभा बना हुआ है तो उसी रूप में लिखता है, तो बताने की जरूरत है क्या? कोई विज्ञापन के बोझ से डरा मने लदा हुआ है, कोई जो है से कि राज्यसभा में उपाध्यक्ष बना हुआ है उसके चलते दबा हुआ है, उपसभापति बना हुआ, सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। कौन सा अब 1100 बार जब बात हुई, वो सारे मामले आ रहे हैं, जो खुद कह रहा है ये बातें, तो बात तो कहीं है, धमकी दिया हमको मारने की बात कही गई, सुपारी किसको दिया, लेकिन तो पुलिस अपनी जाँच करे। लेकिन प्रथम दृष्टिया क्या कहता है? क्या ऐसे केस में तो पहले गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होता, गिरफ्तारी करनी चाहिए था, बाकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ऑन गोइंग होता, तब फलाफल सामने आता, जो बात होती कोर्ट तय करता। लेकिन ये पुलिस ही निर्णय दे दी अपने इन्वेस्टिगेशन के आलोक में, दबाव में। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिहार की जो सरकार है,
विरोधियों को फंसाते हैं और अपनों को बचाती है, यही कार्यक्रम है इनका। ठीक है सर, एक आरोप आप पर भी लगा है, तेजस्वी जी पर लगा है, मिश्रा जी पर लगा है, साथ में कांग्रेस के मदन मोहन झा हैं उन पर भी लगा है कि आप लोग 5 करोड़ रुपया लिए भाई टिकटों ने। कोई सिरफुरा व्यक्ति, सिरफिरा व्यक्ति जो मानसिक संतुलन खो दिया हो, वो व्यक्ति आरोप लगावेगा, उस आरोप पर FIR दर्ज करने वाले व्यक्ति पर भी कम से कम होना चाहिए, उसको जांच करनी चाहिए पहले। FIR दर्ज करने के पहले जांच होनी चाहिए वस्तु स्थिति का। कल कोई जाकर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बारे में बोले अगर 100 करोड़ रुपया दिए तो आपको FIR दर्ज करनी पड़ेगी। न्यायालय ने आदेश दिया? नहीं, न्यायालय ने आदेश दिया, जिसने भी आदेश दिया। सवाल ये उठता है कि हाइपोथेटिकल है ये सिरफिरा वाला बात है, आपको समझनी पड़ेगी बात ना, कि कौन लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या ये जो रात दिन साजिश करते हैं, सारा अपराधी भ्रष्टाचारी ही हैं। कांग्रेस का व्यक्ति राय तो क्यों देगा जी, और पांच जो व्यक्ति कह रहा है उसका क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, कितना पेई है गवर्नमेंट का, बहुत बड़ा सवाल है ना। कोई राह चलते लोग कोई कुछ बोल दे ठीक है, बाकी चीज़ें जो होनी है अपना जाँच करे लोग। क्यों हुआ आखिरी आरोप क्यों लगा? हमने कहने के जदयू भाजपा के सारे पर नहीं हो रहा है, जितनी भी चीज़ें पटकथाएँ लिखी जाती है, अब जो बताइए ना कि एक को छोड़ने के लिए पुलिस ही पर्याप्त है ना, दूसरे तरफ हाइपोथेटिकल आरोप को लामबद्ध करने की कोशिश की जाती है, तो सब क्या है ये संस्थित लोकप्रियता के लिए सिरफिरा व्यक्ति के आरोप पर भाजपा जदयू राजनीति करती है। सत्य सिंह यादव हैं, RJD के प्रवक्ता हैं। वीडियो कैसा लगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।